इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपके सैमसंग मोबाइल फोन में कॉल आने पर आपके मोबाइल फोन में रिंगटोन नहीं बज रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सैमसंग मोबाइल फोन के सेटिंग में और आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका कहीं ये वाइब्रेट वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं है या फिर म्यूट वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं है। तो अगर आपके फ़ोन में म्यूट वाला ऑप्शन सिलेक्ट है या वाइब्रेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट है तो आपको यहाँ से जो है साउंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर देखिए इसमें नीचे आपको एक सेटिंग मिल जाता है वॉल्यूम का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए आपका दोस्तों रिंगटोन वॉल्यूम जो है यहाँ पर दोस्तों कम होगा या दोस्तों बिल्कुल दोस्तों कम होगा, तो आपको जो है रिंगटोन वॉल्यूम को फुल कर देना है। और आप जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम सारे मीडिया वॉल्यूम को फुल कर दीजिए, उसके बाद आप यहां पर बैक आ जाइए। तो आपको ये दोनों सेटिंग कर देना है। तो इसके बाद किसी का भी कॉल आने पर रिंगटोन जरूर बजेगा, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं बज रहा है तब देखिए आपको अपने मोबाइल फोन में बैक आना है सेटिंग के मेन पेज पर। तो सैमसंग मोबाइल फोन में एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का, या सिर्फ आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप जो है नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको जो है एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आपको मिल जाता है तो आप जो है ढूंढ लीजिए। जैसे देखिए हम अपने मोबाइल फोन में जब यहाँ नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें डू नॉट डिस्टर्ब का सेटिंग मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऑन है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इससे जो है बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब आप सेटिंग के मेन पेज पर आइए और आपको यहाँ सर्च बार का आइकन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ सेव करना है डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पर आपको जो है टाइप कर देना है Do not disturb। तो यहाँ पर देखिए Do not disturb वाला सेटिंग आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में ये जो है Do not disturb वाला सेटिंग ऑन है यानी कि चालू है तो आपको जो है इस सेटिंग को यहाँ पर क्लिक करके बंद कर देना है। तो उसके बाद अगर आपके सैमसंग वाला फ़ोन पर किसी का भी कॉल आएगा तो फिर आपको रिंगटोन सुनाई जरूर देगा। तो इस तरीके से आप जो है सैमसंग मोबाइल फोन में रिंगटोन नहीं बजने के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।